हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम एकेडमी में। दोस्तों, लगातार वीडियो के क्रम में ये नेक्स्ट वीडियो हमारी आई है यूपी टेट के एग्ज़ाम में, जो संस्कृत का पेपर हुआ है उसमें, और इंग्लिश का वीडियो भी आपको इसी में मिलेगा। आप हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको पूरे 100% एक्यूरेसी के साथ एक एक क्वेश्चन का सही आंसर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 सर देखते हैं, व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगर आप व्यंजन संधि के उदाहरण की बात करें तो आपका पहला आंसर होगा ये ऑप्शन सज्जन है, ये बिल्कुल सही आंसर है। उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम शब्द है, जो उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम शब्द है वे पूछा था इसमें, जो इसमें आपका उत्तर होगा सही वो होगा वयम। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, धृत धातु में निम्न प्रत्यय का योग करने पर रूप बनता है। तो जो धृत को त्यह प्रत्यय के साथ जो जोड़ा जाएगा, जो धृत बन जाएगा आपका शब्द, वो बन जाएगा आपका धृत्य। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, छंदानुगत शिक्षण प्रणाली होती है। अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में से आपको व्याकरण की, पदी की, गद्य। क्वेश्चन नंबर 63 था, धृत धातु में कृत प्रत्यय जोड़ने पर जो योग बनता है उस रूप को लिखना था क्या होगा, तो इसमें आप आंसर हो जाएगा फर्स्ट धृत्य, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, छंदानुगत शिक्षण प्रणाली होती है, जो छंदानुगत शिक्षण प्रणाली है उसका आंसर 2 पद की, बिल्कुल सही आंसर होगा। शुद्ध वाक्य है, आपको शुद्ध वाक्य बताना था कौन सा है, तो इसमें 4 नंबर का जो है त्वह ग्रम गच्छसि, ये बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66 था, वेन हप्पी पदे के संधि, इसमें कौन सी संधि है, कह संधि में पूछा था आपको, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पूर्व रूप। नीति मार्ग न परिलंडयति निम्न में से कौन सा सही है, क्यों इसमें बताना था, तो कुलीन, हाँ इसमें बिल्कुल सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 68 है, तद्रेव में संधि है, तद्रेव में जो उनसी संधि है आपको बताना था, तो इसमें वृद्धि संधि होगी और जिसका ये होगा बिल्कुल सही होगा। संस्कृत में अयोगवाह वर्णों की संख्या है, जो अयोगवाह वर्णों की संख्या बताई थी, तो इसमें आपका आंसर 3 नंबर का 4 बिल्कुल सही है। अनुरूप में समास है, कौन सा समास है अनुरूप में, ये ऑप्शन में था आपके, ऑप्शन में अविवाहिता, तंद्रता, बहुविरहिता, तत्पुरुष था, आपका जो बिल्कुल आंसर सही होगा वो फर्स्ट नंबर का होगा अव्ययभाव समास। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, कौन सा स्वर हस स्वर नहीं है, हस स्वर कौन सा नहीं है वो बताना था, तो आप देखेंगे तो जो 3 नंबर का है ऊ, वो हस स्वर नहीं है, वो दीर्घ स्वर है। क्वेश्चन नंबर 72 है, सहयुक्ते प्रधाने सूत्र विभक्ति का बोधक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इसका फर्स्ट तृतीया विभक्ति। क्वेश्चन नंबर 73, बालक विपी शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2, बालको प्लस अपि। बगुले का संस्कृत में कहते हैं, बगुले को संस्कृत में क्या कहते हैं ये बताना था आपको, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3, बक है, बिल्कुल सही है। हरिय कुरुध्यति में, हरिय में कौन सा कारक है, तो हरिय 75 का होगा फर्स्ट संप्रदान कारक, जिसने ये लगाया होगा बिल्कुल सही आंसर बनेगा। असमद शब्द की षष्ठी बहुवचन रूप है, तो इसका आंसर हो जाएगा 76 का 3, न है, बिल्कुल सही आंसर है। रमा शब्द का चतुर्थी एक वचन रूप क्या होगा, 77 का आंसर नंबर फर्स्ट रमा है, ये बिल्कुल सही होगा। पितृ शब्द का सप्तपी एक वचन रूप है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 71 का 3 का पितरी, बिल्कुल सही आंसर होगा। इक प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं, जो आपको बताना था इसमें वो आपका जिन्हें ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगाया होगा ई उ ऋषि लह, ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 80, माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, तो 14, ये माहेश्वर सूत्रों की संख्या जो है वो 14 है। क्वेश्चन नंबर 81 देते हैं, डे का उच्चारण स्थान है, तो डे का उच्चारण स्थान क्या होगा, मूर्धया। क्वेश्चन नंबर 82, चोरभ्यम पद में प्रयुक्त तत्पुरुष समास किस विभक्ति का है, तो आंसर नंबर इसका होगा फर्स्ट पंचमी। प्रतन शब्द में विभक्ति और वचन है, तो इसमें जो विभक्ति और वचन है वो आपका है नंबर 3, द्वितीय बहुवचन। नध शब्द में विभक्ति और वचन है, इसका आंसर हो जाएगा प्रथमा बहुवचन। प्रश्नवती हिंदी संख्या का बोधक है, आंसर नंबर 3, 96। 86, भवत क्रिया पद में प्रयुक्त लकार पुरुष और वचन है, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, लोट मध्यम पुरुष बहुवचन। सर्वनाम शब्द नहीं है, अगर सर्वनाम शब्द की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए अपि, यह एक सर्वनाम शब्द नहीं है। स्वस्ति पद के प्रयोग में, योग में प्रयोग की जाने वाली विभक्ति कौन सी है, 88 का नंबर 2, चतुर्थी।
89 था, कादम्बरी ग्रंथ के रचनाकार कौन है? कादम्बरी ग्रंथ किसके द्वारा रचित है, किसने लिखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नंबर 3 बाणभट्ट। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं, महाकवि कालिदास द्वारा विचरचित नाटक कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा आपका नंबर 3 कुमार संभव। ये काली द्वारा रचित महाकाव्य है दोस्तों। इसका दोस्तों इंग्लिश स्टार्ट करते हैं, ये आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट था, इंग्लिश उर्दू संस्कृत, इसमें से आपको एक छांटना था। अब हम इंग्लिश बताते हैं, संस्कृत बता चुके हैं। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ पोएट्री रेसिटेशन इन ए लैंग्वेज क्लासरूम? तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा वो नंबर 3 है, टू इंजॉय एंड एप्रिप्रिएट द पोयम। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट आर्टिकल्स। यस्टरडे आई सॉ यूरोपियन राइडिंग ऑन एलिफेंट, इसमें जो आपका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर 3 ए एंड एन। क्वेश्चन नंबर 63, चूज द करेक्ट सेंटेंस, जो करेक्ट सेंटेंस बताना था आपको नंबर 2, प्लीज डिस्क्राइब अबाउट द स्टोरी। क्वेश्चन नंबर 64, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रीपोजिशन, जो करेक्ट प्रीपोजिशन है वो कौन सी आएगी? सेंटेंस था आपका ए प्राइजर वाज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर, इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 बी ऑफ सही होगा। द एंटोनियम्स ऑफ इनोसेंट इज, इसमें जो इनोसेंट इनोटोनियम था इनोसेंट का हो जाएगा आपका गिल्टी। क्वेश्चन नंबर 66, द सिनोनियम्स ऑफ सिग्निफिकेंट इज, जल्दी इसका आंसर आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन बी मेड ए प्लूरल बाय एडिंग ए सफिक्स एन, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा आपका 67 का ऑप्शन नंबर 4 ओक्स, ओक्स में अगर आप ई एन ऐड कर देंगे तो ये प्लूरल बन जाएगा। 68 देखते हैं, चूज द करेक्ट प्रोनाउन द कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, और जो सेंटेंस है उसे पढ़ लीजिएगा। द ड्रेस इज ऑप्शन मार्क था क्वेश्चन करके योर्स, तो ऑप्शन नंबर 3 योर्स एंड दैट वन इज माइन, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। अब आपको एक आगे डिस्क्रिप्शन दिया था जिसमें से आप क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 जो आपको पैराग्राफ में से छांट के लिखना था, और जो क्वेश्चन नंबर 70 है वो है विच काइंड ऑफ नाउन इज गंगापुर, तो ये कौन सा नाउन है, कौन सी टाइप का है? तो 17 इसका ऑप्शन हो जाएगा 4, प्रॉपर नाउन का है ये। विच पार्ट ऑफ स्पीच इन इज द वर्ल्ड ब्रेव, इसमें जो आपका आंसर सही होगा 71 का फर्स्ट एडजेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज ए मेटेरियल नाउन, तो जिसमें जो मेटेरियल नाउन है इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 गोल्ड। 73 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो ऑप्शन नंबर 2 कनेक्शन, ये आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं, विच काइंड ऑफ नाउन इज एडवर्सिटी, विच काइंड ऑफ नाउन इज एडवर्सिटी, ऑप्शन नंबर 1 एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड हार्ड इन द सेंटेंस ही वर्किंग हार्ड, इसमें क्या यूज करेंगे आप? और 75 का हो जाएगा 4 नाउन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज ए कंजक्शन, ऑप्शन नंबर ए सी इज पुअर बट सी इज माई नेचर हॉस्पिटल। 77 पॉइंट आउट द सेंटेंस विच इज एन प्रोजेक्ट परफेक्ट टेंस, 77 ऑप्शन नंबर 4 आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन मिसपेल्ट वर्ड, ऑप्शन नंबर 2 डी सी केसांस, इट इज मिसपेल्ट वर्ड। 79 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज ए ट्रांसिटिव वर्ब, ऑप्शन नंबर 79 का फर्स्ट है सी राइट वेल। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नेगेटिव, ऑप्शन नंबर 1 ही डज नॉट लिसन टू मी, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 81 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी, ऑप्शन नंबर 2 व्हाट ए पीस ऑफ वर्क इज मैन, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं, पुट आउट द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को पुट आउट करना था आपको, इसमें खींचनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी, व्हाट ए पीस ऑफ वर्क इज मैन, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। दोस्तों हम आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर लेकर आ रहे हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक भी करें, शेयर भी करें, दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 क्या कहता है, पॉइंट आउट द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को आपको पॉइंट आउट करके लिखना था। अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर 4 होगा, ऑप्शन नंबर 4 क्या है, वन हु डज नॉट लव वन कंट्री इज वॉच्ड पर्सन, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है।
क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज प्लुरल, प्लुरल वर्ड बताना था आपको कौन सा होगा, यानी हिंदी में बात करूं तो बहुवचन वर्ड, तो बहुवचन वर्ड कौन सा होगा, को गोट था, डॉग था, फॉक्स था, ये ऊपर ले तीनों बिल्कुल गलत हैं, रॉन्ग है, अगर जो इसका आंसर 4 बिल्कुल सही होगा, माइक। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज रिगार्डेड एज ए सिंगुलर, एक वचन यानी एक चीज को दर्शाता हो, जो चीज उसको आप सिंगुलर में गिनते हैं, अगर मैं बात करूं तो कैट्स में एस लगा है, डॉग्स में भी एस लगा है, कार्स में भी एस लगा है, मतलब क्या हो गया, ये प्लूरल है, हमें बताना है सिंगुलर, तो ऑप्शन नंबर 3 जिसमें मैथमेटिक्स है, इट इज ए सिंगुलर वर्ड। 85 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 आई रिक्वेस्ट हिम टू कम इन टाइम, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस, ऑप्शन नंबर 1 ही वाज असाइन माय ग्रुप टू स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। अगर आप सोचते हैं प्लीज माइंड योर बिजनेस आपने टिक किया है तो समझ लीजिएगा आपका गलत हो चुका है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं, दैट इज मैन ऑफ प्लूस वाज सीकिंग, इन द अबव सेंटेंस व्हाट इज द स्टेटस ऑफ टू द ई एस करके क्वेश्चन मार्क दिया गया था आपको, आप मैं इसके ऑप्शन की बात करूं तो कंजक्शन है, वर्ब है, नाउन है, डिफाइनाइट आर्टिकल्स है, क्या है ये आपको बताना था। अगर हम इसके बारे में बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा, डिफाइनाइट आर्टिकल्स। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं, दीज स्टूडेंट आर मोस्ट डिसोबिएंटेड, इन द अबव सेंटेंस पॉइंट आउट द जेंडर इन द वर्ड सेंटेंस, जेंडर बताना था वर्ड स्टूडेंट्स का, जेंडर क्या होगा, मिस्कुलस लाइन जेंडर, फेमलाइन जेंडर, कॉमन जेंडर, नॉन ऑफ द अबव, तो नॉन ऑफ द अबव इसमें बिल्कुल नहीं होना है, अगर इसमें आंसर सही होगा वो होगा आपका नंबर 3 कॉमन जेंडर। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं, इन द सेंटेंस ही वॉज गोइंग अलोंग विद द रोड पॉइंट आउट द टेंस, पॉइंट आउट करना था टेंस को कि क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस है, जी हाँ बिल्कुल पास्ट कंटिन्यूअस है ये टेंस, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है, पास्ट परफेक्ट नहीं है, फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं है, 89 में क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 पास्ट कंटिन्यूअस। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं, लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट फ्रॉम, इसी तरह का क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो बाल विज्ञान में भी आया था कि आपको किसी भाषा को सीखने के लिए क्या स्टार्ट करना चाहिए, उसका भी जल्द वीडियो हम आपका प्रोवाइड करा देंगे दोस्तों, जैसा हमने आपसे वादा किया है आपको हर क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक और 101 समाधान मिलेगा, तो आप बने रहिए हमारी वीडियो को और लास्ट क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा, लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट फ्रॉम, इसमें क्या होगा, तो लिसनिंग से, राइटिंग से, रीडिंग से, स्पीकिंग से, तो जो सबसे आसान तरीका है वो है आपका स्पीकिंग, तो नहीं होगा क्योंकि स्पीकिंग में आपको पहले बोलना पड़ता है, राइटिंग, राइटिंग जब होगा जब आप सीख लेंगे चीज़ों को, तो रीडिंग, रीडिंग करना सबसे बेहतर तरीका होता है इसको, और या लिसनिंग, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा और ऑप्शन नंबर 3 से आपको सटीक करना है। दोस्तों इस तरह हमने 9 आंसर क्वेश्चन पूरे कर दिया है, हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा, हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसके बाद जस्ट वे आपको वीडियो मिलेगी बाल विज्ञान की, दोस्तों हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, धन्यवाद।